मध्य प्रदेश के खरगोन में एसडीएम और खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा। डालडा और जली हुई मलाई मिलाकर तैयार करते थे घी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खरगोन शहर के जैतापुर क्षेत्र में देर रात एसडीएम अभिषेक गहलोत ने टीम के साथ छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में एक घर में डालडा और शुद्ध घी की जली हुई मलाई मिलाकर घी तैयार करते पाया गया। लगभग 50 किलो नकली घी जब्त किया गया। नकली घी के व्यापारी ने बताया कि इस तरह का नकली घी वो बाजार में 150 से 300 रुपए किलो तक बेचते हैं। अचानक टीम के पहुँचने से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस बल भी बुलाया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जो है छापेमारी कार्रवाई की है, ये जो है डालडा घी में कुछ जो जला हुआ घी है, देसी घी, उसको मिला के गर्म करने के बाद घी बनाते हैं और गांव-गांव जाके फेरी लगा के उसको बेचते हैं। तो कुल मिला के एक स्थान पर ये 30 किलो, बाकी एक बार 10-10 किलो के आसपास, कुछ 85 किलो के आसपास घी बरामद किया है। कितने सैंपल भरे? ये तीनों जगह से सैंपल लेंगे और उसको लैब में भेजेंगे। किस तरीके से बनाते हैं ये? अभी जो इन्होंने बताया है वो डालडा घी में जो है बेरी को मिला के गर्म करते हैं और उसके बाद उससे घी बनाते हैं। क्या लगता है सर, और भी कुछ स्थानों पर इसे घी बनाते हैं वो जो इस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? हाँ, ऐसा लग तो रहा लगातार इस प्रकार की जहाँ जहाँ पर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि नकली घी बनाने का कारोबार है, तो हर जगह जाके कार्रवाई कर रहे हैं। और भी कहीं से सूचना मिलेगी तो लगातार कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि खरगोन से इन सबको पूरी तरह से बंद करें। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं। बेरी कहाँ से? बेरी ये से यहाँ जो लोकल है, इसका तो कहना है कि ये लोग महाराष्ट्र धुलिया से बेरी खरीद के लाए हैं, और बाकी जो लोग हैं उनका कहना है कि आसपास की डेरियों से उन्होंने बेरी खरीदी है। जिस प्रकार सर सरकार द्वारा जो है रासुका की कार्रवाई को लेकर जो है अंजाम दिया जा रहा है, कार्रवाई हो भी चुकी है, क्या लगता है सर बड़े पैमाने पर खरगोन जिले में भी हो रहा है जिस प्रकार से आप कार्रवाई कर रहे हैं? निसंदेह अगर ऐसी कुछ लगातार घटनाएं किसी के पास मिलती है तो उसमें रासुका की कार्रवाई भी करेंगे। बाहर के लोग एक अलग अलग स्थान पर एक साथ आके मतलब एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ। ये कोई ग्रुप एक गिरोह वगैरह जैसा कोई नकली लग उसी से रहा है कि आसपास के लोग हैं, बाहर के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, ये लोग अहमदाबाद के हैं और आके इस तरह की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, तो पूरी तरह से इनका नेक्सस तोड़ने का प्रयास करें। मतलब इन लोगों को सर यहाँ कार्रवाई का कोई डर नहीं है इन लोगों को, इसलिए यहाँ धड़ल्ले से ये काम चल रहा है? कार्रवाई तो लगातार आप कर ही रहे हैं, तो अब संभवतः उम्मीद है कि ये लोग सब बंद कर देंगे। अंतर्राज्यीय गिरोह बोल सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य से हैं इसलिए अंतर्राज्यीय गिरोह की श्रेणी में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।